बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 8 कंप्यूटर एजुकेशन सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपके सामने मौजूद है। यह है मेरे पास वर्जन नंबर 1। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 वर्जन को डिस्कस करेंगे और तीनों वर्जन की जो सब्जेक्टिव पेपर है जस्ट हम उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों वर्जन की जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले ही अपलोड हो चुकी हुई है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम देखते तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटा 45 मिनट और 52 मार्क्स का ये पेपर होगा और हर एक क्वेश्चन के 3-3 पार्ट दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है और इन क्वेश्चन के आंसर को अपनी बुक से ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपने बुक से तैयारी की है। अगर आपको बुक से नहीं मिलते तो जो आंसर हम आपके साथ शेयर करेंगे आप वो भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करना आपने और कम्युनिकेशन तक आपने कम्प्लीट करना है। मैं जस्ट आपको इसके निशान लगाता होगा, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लेकर इसको तैयार करना है। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए टेलीफोन लाइन तक आपने कंप्लीट करना है। एक्सेप्टेबल आंसर से स्टार्ट करते हुए द नेटवर्क तक आपने कंप्लीट करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो अलिफ पार्ट है ए पार्ट उसे देख लेते हैं, तो उसका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल आंसर से स्टार्ट करते हुए कंप्यूटर वार्म तक आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस तक आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए इट इफ पॉसिबल तक आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं तो एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए सेल इन इट तक आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए आपने मैनिपुलेट द डाटा तक आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आप लोगों ने ये जो पैराग्राफ है वो आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर है वो जस्ट आप लोगों ने ये एक लाइन लिखनी है। सेकेंड के अंदर आप लोगों ने ये 3 पॉइंट लिखने हैं और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम है वो आप लोगों ने लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो आंसर है उसके अंदर आप लोगों ने ये वाले पॉइंट लिखने हैं। जो बे पार्ट है उसके अंदर आप लोगों ने ये एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए स्ट्रिंग तक करना है और जो नेक्स्ट आप लोगों ने ये जो 4 लाइन है वो लिखनी है। ये वर्जन नंबर 1 था। नेक्स्ट वर्जन नंबर 2 को देखते हैं। ग्रेड 8 कंप्यूटर एजुकेशन सब्जेक्टिव टाइप पेपर वर्जन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लेना है और बुक्स इनके आंसर निकालने हैं, फिर हम इनके आंसर आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। जो आपको इजी लगता है आप लोगों ने उनको फॉलो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए आप लोगों ने ये 2 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट जो सब एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए आपने करैक्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल तक आपने लिखना है और थर्ड के अंदर आप लोगों ने ये 4 पॉइंट लिखने हैं। ऐसे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो अलिफ पार्ट है उसके अंदर आप लोगों ने ये एक लाइन लिखनी है। सेकंड जो एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए आपने अगेन प्रोसेस तक आपने करना है। थर्ड में आपने इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलिंग का आपने इफ पॉसिबल तक करना है। ये क्वेश्चन वर्जन नंबर 2 के अंदर भी हम देख चुके, 1 के अंदर भी देख चुके हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो जस्ट आप लोगों ने ये एक आंसर लिखनी है। आपका जो आंसर होता है वो एक्सेप्टेबल आंसर से स्टार्ट होता है आपका आंसर और नेक्स्ट आप लोगों ने एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए द डाटा तक आपने करना है और नेक्स्ट आपने जो 6 पॉइंट आप लोगों ने ये नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए आपने ETC तक करना है और नेक्स्ट आप लोगों ने ये 4 पॉइंट लिखने हैं और यहाँ पे आप लोगों ने ये प्रोग्राम को लिखना होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने ये 3 लाइनें और साथ में कमांड की डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पे अपने इनपुट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हुए स्ट्रिंग तक लिखना है और यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट ये 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट वर्जन नंबर 3 को देखते हैं। ग्रेड 8 कंप्यूटर एजुकेशन सब्जेक्टिव टाइप पेपर वर्जन नंबर 3। तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले तमाम क्वेश्चन को आप लोगों ने कॉपी के ऊपर लिख लेना है, फिर अपने बुक से इनके आंसर निकालने हैं और ना मिले तो हम जो आंसर आपके साथ शेयर करेंगे आप वो वाले भी नोट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए कम्युनिकेशन तक आपने करना है। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल आंसर स्टार्ट करते हुए टेलीफोन लाइन तक करना आपने और थर्ड पार्ट का आप लोगों ने ये 2 लाइनें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं अलिफ पार्ट देखे तो उसके अंदर आप लोगों ने ये 2 लाइनें लिखनी है। सेकंड के अंदर आप लोगों ने एक्सेप्टेबल आंसर के ये 7 पॉइंट लिखने हैं और थर्ड के अंदर आप लोगों ने ये 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल आंसर में ये डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर कॉलम तक आपने करनी है और नेक्स्ट आप लोगों ने ये 9 पॉइंट आपने लिखने हैं, इसमें से कोई से 6 लिखने थे आपने। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम्स आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल आंसर का यहाँ से लेकर आउटपुट तक आएगा और फिर आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है एक्सेप्टेबल आंसर का यहाँ से लेकर यहाँ तक इन पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं। सवाल नंबर 5 को देखें तो पहला क्वेश्चन का जो पार्ट का आंसर है वो ये आ जाएगा वेरिएबल की डेफिनेशन। सेकंड एक्सेप्टेबल आंसर से लेकर टाइप ऑफ कांस्टेंट तक आपने लिखनी है और थर्ड के अंदर आपने एक्सेप्टेबल आंसर लेकर ये 4 तक लिखना है। इस वीडियो के अंदर हमने वर्जन नंबर 1, 2 और 3 की सब्जेक्टिव को देखे है और इस वीडियो की लिंक के अंदर आपको इनकी ऑब्जेक्टिव का लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे जाए अल्लाह हाफिज़।